सब तो पहला आम आदमी पार्टी तिलक नगर की टीम वालों गुरमीत कौर जी जो जिला सचिव ने उनका स्वागत है। आज की टीम बहुत शानदार है तो बहुत खास मकसद नाल आज की मीटिंग रखी गई है। 31 तरीक नूं होण वाली महारैली अपने आप में एक नवा संदेश देण जा रही है। किसी के दिमाग च कोई शक होवे इस मीटिंग विच कट के जाना। तिलक नगर तो जो पिछले साल भी मीटिंग हुई सी जून के महीने च सारे कह रहे सी कि कभी असी दो तीन बसा तो उपर नहीं भरिया असी किवें इन सारी बसा लैके जावे। पर तिलक नगर वाले ने दस दिता जी आप अपनी आई ते आ जाइए तो 24 बसा का टारगेट मिलया सी ते आप 27 बसा लैके उत्ते गए सी रामजी का 27 बसा हुण अपने अपने आप वास्ते खड़े होना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिंदगी दाव पर लगाई हुई है। मैं एक हकीकत दसन जा रहा अज मेरे को कोई बंदा मिलन आया वो कहता इन्नी घटिया साजिशा कीतियां जा रही ने कि हो सकता अरविंद जी के खाने में बीपी बढ़ाने की दवाई मिला के दी जाए और उनको वो हार्ट अटैक हो जाए। ऐसी साजिशें तक की जा रही है तो हमारा क्या फर्ज बनता है? लड़ेंगे 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 डरेंगे नहीं हारेंगे नहीं लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने इस दिल्ली के लिए जो किया है वो किसी तो छुपया नहीं होया। हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, हमारे बिजली के बिल जीरो, हमारी माताओं बहनों के लिए बसों में ट्रेवल फ्री, हमारे घर के लोगों के लिए इलाज फ्री, क्या नहीं किया। दूसरे स्टेट के लोग दिल्ली वालों से पूछते हैं भाई तुम्हारी तो सरकार ही बड़ी बड़ी है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हर घर न 10,000, 15,000, 20,000 का जो फायदा देता है, हर गरीब आदमी की जेब च पैसे मोड़े ने, ये कोई गलत काम किया है? यह चीज इन्हें बीजेपी वाले तो बर्दाश्त नहीं हुई। हुण मैं दो सवाल तुहाडे तों पुछण जा रहा, सारे बंदे आपां परिवार दे बैठे हैं, क्या चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सही किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले डर के मारे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सही किया है? एक चीज और, इनको लगता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया अब एक एक करके इनके एमएलए तोड़ेंगे, इनके मिनिस्टर तोड़ेंगे, इनकी पार्टी को तोड़ेंगे और इनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। देख रहे हो ना किस तरीके से हो रहा है। हमें पार्टी हेडक्वार्टर नहीं घुसने दिया जा रहा, जहां दिल कर रहा है धारा 144 लगा दी जा रही है, कभी हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। और इनको लगता है कि इस तरीके से पार्टी खत्म हो जाएगी, पर ये जानते नहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस चीज का नाम है। अब ये दबाव बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। मैं आपसे पूछता हूं, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिन रात एक करके दिल्ली को एक दुनिया का ऐसा शहर बना दिया जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, क्या ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को मोदी के दबाव में आकर इनकी साजिशों के चलते इस्तीफा देना चाहिए? पूरी दिल्ली का एक एक आदमी, एक एक और उसका परिवार अरविंद केजरीवाल के साथ है और तब तक साथ है जब तक इस बीजेपी को सबक नहीं सिखा देता, इसको इसके अंजाम पे नहीं पहुंचा देता। तो मैं संकल्प करता हूं आम आदमी पार्टी तिलक नगर की तरफ से, तिलक नगर के लोगों की तरफ से मैं संकल्प करता हूं कि जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा लिया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं सोचूंगा। क्या आप तैयार हो? चैन से नहीं सोएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे और जीतेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव सिर पे है और ये हारे पड़े। अब इनको लग रहा है कि दूसरी पार्टी इकट्ठी हो गई है, हमारे पास भी 10 साल का काम बताने के नाम पे कुछ नहीं है। बोला था ना पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर देंगे, रुपया डॉलर एक बराबर कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, लंबी लंबी बातें बोली थी, किया क्या? जीरो। ठीक, तो लोग जवाब लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके यहाँ का जो सांसद था ना मुंह छुपा के भाग गया जी, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी जगह दूसरा उम्मीदवार दिया है। और पूरी दिल्ली में 6 सांसदों की टिकट काटना इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाजपा डरी पड़ी है। और ये चीजें, ये नीच हरकतें बंदा तभी करता है जब डर जाता है। तो हम सब ने पूरी मजबूती के साथ सबसे पहले तो 31 तारीख वाली रैली को सफल करना है,
किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित है और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है अपनी दिल्ली के लिए। इस चीज का प्रमाण हमने 31 मार्च को देना। और जिस तरीके से आज आप यहां सब आए हैं, नॉर्मली मैं राजेश छावड़ा जी को, सेठी जी को, रिंकू जी को शिकायत करता हूं, भाई हर मंडल से बंदे नहीं आए, मैं अटेंडेंस तक लगवाता हूं, पर आज आप सबकी हाजिरी बता रही है कि अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों का मैंने सोचा भी नहीं था वो सब चेहरे भी मेरे को अपने सामने दिख रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी मान के आए हो। और ये आम आदमी पार्टी वालों के बीच में बाय डिफॉल्ट है कि जब कोई ऐसी संकट की घड़ी आती है तो फोन नहीं करना पड़ता, फिर सीधे झंडा उठा के सीना तान के और मोर्चे पर खड़े हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का तिलक नगर का एक एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए कमिटेड है, गारंटेड है। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष यादव जी आए हैं, एक बड़ी जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अब हर मंडल से किस तरीके बस भरी जाएगी वो सबको क्लियर हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं? किसी के दिल में कोई सवाल हो पूछ लेना। हर मंडल से मिनिमम एक बस, मेरे को तसल्ली इस बात की है कि जून के महीने में जब महारैली हुई थी तो बसें फुल होने के बावजूद कुछ लोगों को मेट्रो में भी जाना पड़ा था, कुछ लोग अपनी गाड़ियां भी लेके गए थे। इस बार हमने एक छोटा सा काम करना है, हमने 11 जून वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। तैयार हो? सारे तैयार हो? तैयार हो? कहीं से तेज आवाज आ रही, कहीं से आई नहीं रही, तैयार हो? तो अब हर मंडल पे आपके मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और मंडल संगठन मंत्री मिलके बैठक करेंगे। हर बूथ से उसके ऊपर उपस्थिति होगी, कौन कौन बंदे जा रहे हैं। 27 और 28 तारीख की मीटिंग में ये तय हो जाना चाहिए। हर मंडल के ऊपर से बस जाएगी, मैं खुद उन मीटिंग्स में अवेलेबल रहूंगा। कुछ मीटिंग्स में वाणू जी जाएंगे, कुछ मीटिंग्स में छाबड़ा जी जाएंगे, कहीं सेठी साहब जाएंगे, कहीं रिंकू जी जाएंगे, कहीं अलग अलग पोस्ट होल्डर जाएंगे। पर हर मंडल पे सफल मीटिंग करना आप सबकी जिम्मेवारी है। और किस मंडल की मीटिंग कब हो रही है ये अभी लिखवा के जाना। 101 वार्ड वाले सारे मानू जी को लिखवा के जाना, 102 वार्ड वाले सारे रिंकू जी को लिखवा के जाना, 103 वार्ड वाले सारे सेठी जी और छाबड़ा जी को लिखवा के जाना। ये शेड्यूल अभी बना के जाएंगे, आप अभी से काम पे लग जाओ। एलआरए जंग हो चुका है, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, अगर हम सीना तान के इनके आगे खड़े नहीं हुए तो हम कल को अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आने वाले टाइम में भी बात होती है ना, अभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, कोई भगत सिंह के परिवार से है, कोई चंद्रशेखर जी के परिवार से है, कोई राजगुरु जी के परिवार से है, कोई भी उन शहीदों के परिवार से, या जिन्होंने देश की आजादी में कंट्रीब्यूट किया था, आज तक उनकी पुश्तों को पूजा जाता है। तो कल को 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब ये बात होगी कि दिल्ली के अंदर जब तानाशाही का दौर चल रहा था तो वालिया साहब उसमें झंडा लेके सबसे आगे खड़े होते थे, सचिन त्यागी जी खड़े होते थे, सैनी जी खड़े होते थे, गुल्लू पासी खड़े होते थे, तिलक नगर का एक एक बंदा जो बैठा है आप सबका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि हमारे भी दादा परदादा बड़े जब मोदी की तानाशाही चलती थी तो उसके सामने उसका मुंह तोड़ जवाब देते थे। तैयार होना उस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ही कहूंगा कि हम सब अपना फर्ज समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर आए हैं और तिलक नगर विधानसभा फिर से अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर और रामलीला मैदान में अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति 31 मार्च को दर्ज कराएगी। आने के लिए सबसे सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की। थैंक यू।